सो अगर आप भी 2024 में अपने लिए एक 125cc सेगमेंट की बेस्ट माइलेज बाइक को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को 2024 में आने वाली जितने भी 125cc सेगमेंट की बाइक हैं उन सभी का दोस्तों मैं आप लोग को माइलेज के साथ प्राइसिंग भी बताने वाला हूँ, जिसे देख के दोस्तों आप अपने लिए जो है एक बेस्ट माइलेज 125cc सेगमेंट की बाइक को सेलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे दोस्तों आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि बाइक का जो माइलेज होता है दोस्तों वो आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। आप बाइक को जितने अच्छे से चलाएंगे बाइक आप लोग को उतनी अच्छी माइलेज निकाल के देगी, लेकिन दोस्तों बाइक को जो है आप लोग ज्यादा तेज चलाएंगे, ज्यादा रफ राइड करेंगे, फिर दोस्तों बाइक से आप लोग को माइलेज काफी कम मिलेगा। तो आज की वीडियो पे दोस्तों जो मैं आप लोग को माइलेज बताऊंगा वो दोस्तों मैं आप लोग को एवरेज स्पीड से माइलेज बताने वाला हूं, जो कि दोस्तों मैं आप लोग को सिटी और हाईवे का मिला के मैं आप लोग को माइलेज बताऊंगा। सबसे पहली बाइक के बारे में बताऊं तो वो है दोस्तों हीरो कंपनी की नई बाइक, जो कि दोस्तों हीरो एक्सट्रीम 125R। इस बाइक का दोस्तों जो कंपनी क्लेम कर रही है माइलेज, ये तो दोस्तों लगभग जो है 66 KMPL का क्लेम कर रही है, लेकिन दोस्तों रियल में आप लोग को लगभग जो है 55 से लेकर 60 KMPL के आसपास में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बाइक के बारे में बताऊं तो वो दोस्तों होंडा कंपनी की ओर से आती है, जो कि दोस्तों होंडा कंपनी की दो बाइक है। पहला दोस्तों होंडा कंपनी की साइन 125, जिसकी ऑन रोड प्राइस लगभग दोस्तों 1,05,000 रुपए के आसपास में है, और सेकंड दोस्तों होंडा की SP 125, जिसकी ऑन रोड प्राइस 1,11,000 रुपए के आसपास में देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों इन दोनों बाइक से जो माइलेज है ये लगभग दोस्तों आप लोग को 60 से लेकर 65 KMPL के आसपास में देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों मैं आप लोग को SP 125 और साइन 125 के माइलेज के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट बाइक की ओर बढ़े तो वो दोस्तों हीरो कंपनी की ओर से आती है, जो कि दोस्तों हीरो कंपनी की भी दो बाइक्स हैं। पहली दोस्तों सुपर स्प्लेंडर है, जिसकी ऑन रोड प्राइस दोस्तों 1,05,000 रुपए के आसपास में है, और सेकंड दोस्तों ग्लैमर 125, जिसकी ऑन रोड प्राइस दोस्तों 1,15,000 रुपए के आसपास में है। और ये जो दोस्तों मैंने आप लोग को ग्लैमर के प्राइसिंग के बारे में बताया है, ये दोस्तों मैंने आप लोग को ग्लैमर का टॉप मॉडल यानी कि एक्सट्रैक मॉडल के प्राइसिंग के बारे में बताया है। माइलेज के बारे में बताऊं तो सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर में दोस्तों आप लोग को लगभग जो है 55 से लेकर 60 KMPL के आसपास में माइलेज देखने को मिलेगा। बात कर जाए दोस्तों TVS कंपनी की रेडर 125 की, तो इसकी जो माइलेज है दोस्तों ये लगभग आप लोग को 50 से लेकर 60 KMPL के आसपास में देखने को मिलेगी, और रेडर का जो प्राइस है दोस्तों ये लगभग जो है 1,18,000 रुपए से स्टार्ट होता है और 1,30,000 रुपए तक जाता है ऑन रोड। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग बजाज कंपनी की ओर, तो बजाज कंपनी की दोस्तों तीन बाइक्स हैं 125cc सेगमेंट में, जो कि पहला है दोस्तों बजाज की सिटी 125X, जिसकी दोस्तों यहां पर जो माइलेज है ये आप लोग को 50 प्लस देखने को मिलेगी, और इसकी जो प्राइस है ये लगभग दोस्तों आप लोग को 1,00,000 रुपए के आसपास में देखने को मिलेगी। सेकंड बाइक की ओर बढ़े तो वो है दोस्तों बजाज कंपनी की पल्सर 125, जिसकी माइलेज दोस्तों 45 से लेकर 50 KMPL के आसपास में देखने को मिलेगी, और पल्सर का जो प्राइस है लगभग दोस्तों 1,11,000 रुपए के आसपास में देखने को मिलेगा। यहीं पे मैं आप लोग को NS 125 के बारे में बताऊं तो इसका जो माइलेज है दोस्तों ये लगभग आप लोग को 45 KMPL के आसपास में देखने को मिलेगा, और NS का जो प्राइस है लगभग दोस्तों 1,35,000 रुपए के आसपास में देखने को मिलेगी। बात कर जाए दोस्तों इस लिस्ट की सबसे कम माइलेज देने वाली बाइक की, तो वो है दोस्तों KTM कंपनी की, जो कि दोस्तों KTM की ड्यूक 125 और RC 125। ड्यूक के प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो लगभग दोस्तों 2,20,000 रुपए के आसपास में देखने को मिलेगा, और RC 125 का जो प्राइस है ये लगभग जो है 2,25,000 रुपए के आसपास में मिलेगा। बाकी दोस्तों ड्यूक और RC जो माइलेज है दोस्तों ये लगभग जो है 35 KMPL के आसपास में देखने को मिलने वाली है। तो जी हां दोस्तों 2024 में जितने भी 125cc सेगमेंट में बाइक आ रही है उन सभी का दोस्तों मैंने आप लोग को माइलेज के साथ प्राइसिंग भी बता दिया है। तो अब आप लोग बताइए दोस्तों कि आप लोग इनमें से कौन सी बाइक को लेने वाले हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।